हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ व्रत में बनाए जाने वाले आलू की सब्ज़ी और कुट्टू की रोटी की रेसिपी। तो चलिए फिर शेयर करते हैं। तो मैंने यहाँ पे आलू उबाल के रख दिए हैं, तो अभी मैं उसको बना रही हूँ। तो मैंने जैसे ही घी गर्म हो गया था तो मैंने उसमें डाल दिया था धनिया और जीरा, क्योंकि व्रत का खाना विदाउट लहसुन प्याज के होता है, तो मैं भी इसे बिना लहसुन प्याज के ही बनाऊंगी। तो आज है सातवां नवरात्रा, तो अभी मैंने इसमें डाल दिया है कड़ी पत्ता, और क्योंकि इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और उसके बाद मैंने ऐड कर दिए इसमें बारीक बारीक कटे हुए टमाटर। तो अभी मैं इसको थोड़ा फ्राई कर लूँगी घी में, ताकि टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। ज़रूरी नहीं है कि हम ये सब्ज़ी व्रत में ही बनाएं, हम इसे ऐसे भी बना सकते हैं अगर व्रत ना भी हो तो। और अभी मैंने इसमें डाल दिया है नमक, सेंधा नमक, और जिससे टमाटर जल्दी से गल जाएंगे। अभी मैंने ऐड कर दी है इसमें थोड़ी सी हल्दी। आप अगर हल्दी नहीं खाते हैं तो आप ना डालें हल्दी। और थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल दिया है। तो अभी मसाला हमारा हो चुका है, गैस की फ्लेम मैंने सिम कर दी है, और अभी मैं इसमें डाल दूंगी उबले हुए आलू और इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी इसमें मसाले के साथ, ताकि सारा मसाला इसमें अच्छे से लग जाए। तो अभी मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी। आप जैसा भी, जैसी भी इसकी कंसिस्टेंसी चाहे, आप उसी हिसाब से पानी डाल सकते हो। तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है, और अभी मैं इसमें एक दो उबाल आने दूंगी, क्योंकि आलू तो हमारे ऑलरेडी उबले हुए हैं। तो बस अभी मैं जो पानी डाला है उसमें उबाल आने दूंगी, और बस फिर उसके बाद सब्ज़ी हमारी बन जाएगी। तो मैं नमक और ऐड कर दूंगी इसमें, और सच में ही बहुत टेस्टी बनती है सब्ज़ी। तो जैसे ही दो तीन उबाल इसमें आएंगे तो पानी भी इसका कम हो जाएगा। तो ये देखिए इसमें उबाल आने लग गया है। तो बस सब्जी हमारी ऑलमोस्ट तैयार है। तो अभी मैं गैस बंद कर दूंगी, और उसके बाद मैं बनाऊंगी कुट्टू के आटे की रोटी। तो अब मैंने यहाँ पे आलू ले लिए हैं, मतलब ये दो आलू मैंने साइड में रख दिए थे जो बॉयल किए थे जब भी। तो अभी मैंने इसमें ले लिया है आटा। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, आप कितने लोगों की रोटी बना चाहते हैं। तो मैं सिर्फ अपने लिए बनाऊंगी, तो मैं उसी हिसाब से आटा ले रही हूँ। और इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है और थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल दिया है, और उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा घी ऐड कर लेंगे। देखिए मैंने थोड़ा सा इसमें घी डाल दिया है, और अब हम इसको अच्छे से मसल मसल के स्टार्ट करेंगे गूंथना, क्योंकि पानी तो इसमें डालना नहीं है। तो इसमें सिर्फ दो
तीन चार बूंदें पानी की डालनी होती है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर रहता है आलूओं में, तो ये इसी से ही हो जाता है, इसी से ही गूंथ जाता है। बट थोड़ा बिल्कुल थोड़ा सा पानी तो डालना ही पड़ता है इसमें, तो मैंने देखी बिल्कुल थोड़ा सा बस यही पानी मैंने डाला है। और अब मैं इसको अच्छे से गूंदना स्टार्ट कर दूँगी। वैसे तो इसको इसके आटे को गूंदना और इसकी रोटियाँ बनाना एक बहुत बड़ा टास्क होता है, बट बन जाती है फिर भी, ऐसा नहीं है कि हाँ नहीं बनती है। तो बस मैं इसको अच्छे से गूंद लूँगी। और देखिए ये आटा मैंने गूंद के तैयार कर लिया। तो अब मैंने एक इसको बनाने के लिए एक फॉइल पेपर ले लिया है, तो मैं उसके दोनों तरफ मतलब पूरे पे थोड़ा थोड़ा घी लगा दूँगी चम्मच से अच्छे से। ये देखिए मैंने दोनों साइड लगा दिया है घी, और तवा भी मैंने चढ़ा दिया है, तब तक तवा भी गर्म हो जाएगा। और अभी मैं इसको बनाना स्टार्ट करूँगी। तो ये देखिए मैंने ये ले लिया है थोड़ा सा, तो अभी हम इसको एक साइड रख के इसको फोल्ड कर देंगे अच्छे से, और उसके बाद हमें इसको एक प्लेट से दबाना है बस थोड़ा थोड़ा करके। और ये देखिए बन के तैयार है इजीली। तो क्योंकि अगर हम बेलन से करेंगे तो ये साइडों से थोड़ा टूटने लग जाता है, तो इसलिए मैंने प्लेट से किया है। और देखिए कितना अच्छा बन के तैयार हो गया है, गोल गोल सा। तो इसी तरह से मैं सारी रोटियां ऐसे ही बना लूँगी। काफ़ी अच्छा तरीका है ये। वैसे तो शायद सभी को ही पता होगा बट मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ इसको, क्योंकि मैंने बेलन से तो कभी भी नहीं बनाए, क्योंकि मेरे को नहीं आता बेलन से बनाना। और ये देखिए बनके तैयार है। और मैंने गैस की फ्लेम सिम रखी है बिल्कुल, नहीं तो फिर एकदम से अगर हम फुल पे करेंगे तो फिर जल जाएगा, जलने का डर रहेगा इसको। तो ये एक साइड से पकने लग गया है, तो अभी मैं इसमें थोड़ा थोड़ा घी लगा दूंगी ताकि थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, ज़्यादा नहीं, बस थोड़े थोड़े घी लगा के अच्छे से पका लेंगे हम इसको। इसी तरह से मैं सारी रोटियां ऐसे ही फॉइल पेपर पे बना लूंगी। देखिए बनके तैयार है। तो ये देखिए मेरी थाली बनके तैयार है। आलू की सब्ज़ी देखिए कितनी अच्छी लग रही है, देखने में भी और खाने में भी बहुत टेस्टी बनी थी। और साथ में दही, कुट्टू के आटे की रोटी और खीरा। तो बस यही है मेरा आज का खाना। तो अगर आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। मैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।